खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां हंडिया फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने फूलपुर स्थित सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रतापपुर विधायक मुज्तबा सिद्दीकी के प्रयास से उनके पेट्रोल पंप से पास सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन बनवाया गया। फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने गुरुवार को फीता काटकर सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन का लोकार्पण किया, जिससे इलाके में खुशी की लहर है। इस अवसर पर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि आने वाला कल सीएनजी गैस कहा ही है। सीएनजी गैस के उपयोग से वातावरण प्रदूषित मुक्त होगा, वहीं पेट्रोल डीजल की अपेक्षा सीएनजी गैस रास्ता और बेहतर है। इंडियन गैस के जीएम मनीष मिश्रा, डिप्टी मैनेजर दानिश रिजवी, हारून सिद्दीकी, आशा पटेल, सत्य तिवारी, असदुल्ला सिद्दीकी, अतिकुर्रहमान, अब्दुल्ला सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। प्रतापपुर विधायक मुज्तबा सिद्दीकी ने अंत में आए सभी लोगों का आभार जताया। हांडा से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। सत्यम यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, अनुराग यादव जी, पंकज यादव जी, सत्यम शर्मा जी, मोहम्मद फैज जी, रोहित सिंह जी, आप लोग सभी लोग आ जाए। सुमित सिंह जी और ये मेरे छोटे भाई हैं, और इनके अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है धीरे धीरे। तो चाहूंगा कि शुभम यादव जी प्रयास आप सभी के बीच में 16 ग्राम सभा और उनके जनता जनार्दन के माध्यम से यादव आ गए, पटना के प्रधान राजन यादव भी आ गए, पूरा प्रतापपुर दोनों विधानसभा के नौजवान इकट्ठा हो गए। आज भाजपा की सरकार, मैं एक ही बात करके बंद कर दूंगी कि सारा हमारे द्वार का मौलिया आने की यादव ने कहा था। कितने बैठे हैं जितने उत्तर प्रदेश के माता ने बने सोचा था कि सरकार आ रही है तो अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, इतना अच्छा दिन आएगा कि आज तक कोई सरकार जीरो से खाता नहीं खुलाया, कोई जीरो से खाता नहीं खुलाया। इस सरकार को जीरो से खाता खुला रहे हैं तो जरूर। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।